टाइप सेकंड, इसमें भी क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन को ही हम सॉल्व कर रहे होंगे, डी जेड आर, ठीक है, जो हमने लिखा है मेन जो इक्वेशन है। तो इसमें क्या होता है, किसी दो की हेल्प से, यानी कुछ दो, सपोज ये दोनों सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है, अब आप ये और ये लो, चाहे ये चाहे फर्स्ट और लास्ट लो, चाहे सेकंड और लास्ट लो, तो वो सॉल्व नहीं होंगे वहाँ पे, कुछ भी कर लो नहीं होंगे। देखना एक एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे सपोज यू यू एक्स माइनस यू यू वाई इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर इसका आप एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हो तो ये आएगा। देखो ये दो आप ले लो, ठीक है, टेकिंग टू ले लो, तो ये क्या हो रहा है, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई, अगर यू यू कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वेशन में, ठीक है, तो ये डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, तो अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड में ला रहा हूँ, डी वाई इक्वल टू जीरो, इसको जस्ट इंटीग्रेट कर दो, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी वन, तो सी वन तो आया। सी टू अब देखो, आप ये दोनों लोगे, देखो ये दोनों सपोज आपने लिया, तो इसमें एक टर्म आ रहा है वाई, जबकि या तो ये यू के रिस्पेक्ट में हो या तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो, अगर ऐसे वेरिएबल आते हो तो हम इजीली कर पाते हैं वेरिएबल सेपरेशन से या अदर मेथड से, एग्जैक्टनेस से या कुछ भी, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है वाई, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, जब ऑर्डिनरी हम करते हैं, अगर वाई वहां पे गिवन है तो वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो है, लेकिन हम डेरिवेटिव जो है वाई के रिस्पेक्ट में भी करेंगे, उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे। इफ वी आर डूइंग द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव देन वी कैन नॉट ट्रीट इट वाई एज ए कॉन्स्टेंट, हम इसको कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, ऑर्डिनरी में ये नहीं हो पाएगा इससे, ठीक है, टाइप वन से नहीं हो पाएगा। आपने ये दो देखा, अब ये दोनों भी आपने देखो, फिर अब ये दोनों ले रहे हैं, यहाँ वाई आ रहा है, यू आ रहा है, वाई यू, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है एक्स का, तो ना ये दोनों लेके हो रहा है काम, ना ये दोनों लेके हो रहा है काम, ठीक है। टाइप सेकंड में क्या करते हैं, एक तो आ जाता है, एक सॉल्यूशन आता है, उसको यूज करते हैं हम फाइंडिंग द सेकेंड सॉल्यूशन। सो टाइप सेकेंड में हम क्या लिखेंगे, यूज फर्स्ट, जो फर्स्ट हमारा ये सॉल्यूशन आया, फर्स्ट सॉल्यूशन, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, फॉर फाइंडिंग अदर या सेकेंड, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कर्व आ चुका है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी वन। सो अब इस सी वन को, अब इसी वैल्यू को एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी वन, इसी को हमें यूज करना है फॉर फाइंडिंग सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व। सो सपोज दिस इज वन, सो यूज, अब इसको, चलो इसको सेकेंड कर देता हूँ मैं, इसको वन कर देता हूँ, ठीक है, यूजिंग, अब क्या करना है, इसी को यूज करना है, यूजिंग सेकेंड इन वन, देखो तो ये हमारा जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, माइनस, चलो ऐसे लिखते हैं, डी वाई अपॉन माइनस यू एंड डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस, अब देखो एक्स प्लस वाई की जगह कांस्टेंट सी वन स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो दिस इज डी यू, अब या तो आप ये दोनों ले लो या ये दोनों ले लो, ठीक, कोई भी ले सकते हो, सपोज चलो मैं फर्स्ट एंड लास्ट ही लेता हूँ, नाउ टेकिंग, अब इसमें दो दो लेने की जरूरत नहीं, आपको एक ही लेना है, बिकॉज वी रिक्वायर्ड ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और क्योंकि एक तो आ चुका है ऑलरेडी यहां से, बस टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट, सो वी हैव, सो डी एक्स अपॉन डी यू इज इक्वल टू डी यू अपॉन u स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, सो बाय द वेरिएबल सेपरेबल u वाले du के साथ लिख लो,
इज इक्वल टू, और एक्स वाले एक्स के साथ। सो यू वाले मैंने सब लिख दिया है। अब देखो यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और टू से डिवाइड भी कर देता हूँ। देखो इसका जो डेरिवेटिव बना यहाँ बन गया, यानी यू के रिस्पेक्ट में, यू के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, टू यू प्लस जीरो। ठीक है, तो टू यू ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, तो जस्ट अब इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि ये देखो मेरा क्या बन जाएगा, डायरेक्ट लॉग यू स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर बन जाएगा, तभी कर रहा हूँ मैं। सो यहाँ से ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ कोर्स, अगर मैं टू जो है ऐसे लिख लूँ, टू एक्स प्लस और प्लस अब लॉग सी टू कर देता हूँ, तो ये क्या हुआ, यू स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर अपॉन सी टू ई टू द पावर टू एक्स। तो अब देखो सी वन की वैल्यू हमें अभी पुट करनी है, सी वन की वैल्यू हमारी क्या थी, एक्स प्लस वाई अपॉन सी टू, और सी टू में यहाँ लिख देता हूँ, सी टू इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस टू एक्स। सो द जनरल सोल्यूशन इज कुछ लिख लो, एफ ऑफ सी वन कॉमा सी टू इक्वल टू जीरो। सो दिस इज एफ, सी वन क्या था एक्स प्लस वाई, सी टू क्या है या अगर मुझे इस टाइम में चाहिए तो यू के फॉर्म में e टू द पावर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, सो यू स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, या यू स्क्वायर के टर्म में अगर केवल यू स्क्वायर इज इक्वल टू लिखना चाहूँ तो माइनस इधर जाके वही लिख सकते हो या यहीं पे छोड़ सकते हो। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक प्रॉब्लम आपके लिए अभी करना है आपको, जरा देख इसी का है, सेकेंड प्रॉब्लम कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। चलो इसका सॉल्व करो, फाइंड जनरल सॉल्यूशन पी माइनस क्यू इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई। आप चाहे u ले लो चाहे z ले लो, ठीक है, p p और p इस टाइप से होगा। आप अगर नहीं गिवन है तो आप खुद ही कंसीडर करना है, ऐसे भी दे सकता है वो डेल z ओवर डेल y। या आप z ले लो चाहे u ले लो, आपको जो ठीक लगे बोलो। तो अगर आपने z में लिया है तो मुझे बता दो आंसर इसका, चलो z के फॉर्म में ही बता दो, z इज इक्वल टू क्या आ रहा है, और इसको ऐसे लिख दो x log x plus y minus f of x plus y dx over dy over and du over log x plus y। आपने पहले ये दो लिए होंगे, फिर वैल्यू रख के ये दो लिए होंगे, जिन्होंने ये दो लिया है देन ये दो लिया है उनका थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो ये था टाइप सेकेंड। अब टाइप थ्री देखेंगे हम, जिसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी नहीं मिलता है। अब क्या होगा कि हमें या तो उस फर्स्ट में क्या था, दो कैरेक्टरिस्टिक कर्व इजीली मिल रहे थे, सेकेंड में क्या था, सेकेंड मेथड में ये था कि सेकेंड टाइप में फर्स्ट का यूज करके हम सेकेंड फाइंड आउट कर रहे थे, अब फर्स्ट भी नहीं मिलेगा, सेकेंड ना तो फर्स्ट मिलेगा ना सेकेंड मिलेगा। उसके लिए हमें क्या करना होता है, बस हमें मल्टीप्लायर्स चूज करने होते हैं।